दोस्तों जरा गौर से इस जीव को देखो, आपको पक्का यह क्रिएचर सांप की तरह दिखेगा, लेकिन यह सांप नहीं है बल्कि यह एक कैटरपिलर है। ज्यादातर कैटरपिलर अपने विकास के बाद तितली तो कुछ कीट पतंगे बन जाते हैं, लेकिन यह अनोखी कैटरपिलर की प्रजाति तितली या कीट पतंगा बनने से पहले जहरीले सांपों जैसी आकृति में बदल जाता है, जिससे कि ज्यादातर कीट पतंगे खाने वाले शिकारी इनसे डरकर भाग जाएं। तो वेलकम है आप सबका द साइंस सिस्टम यूट्यूब चैनल में, और आज की TSS एनिमल सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में हम मिलेंगे 6 ऐसे कैटरपिलर से जो कि हूबहू सांप जैसा दिखते हैं। तो नंबर 6 पर है रेड हेलन स्वेलोटेल कैटरपिलर। यह कैटरपिलर इंडिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। ये कैटरपिलर एक जहरीले हरे सांप की तरह दिखता है, जिसकी वजह से खूंखार जीव इसके पास नहीं आते, लेकिन सांप जैसा बनकर बचे रहने के अलावा भी इसके पास एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक है। जैसे कि जब भी इसे कोई इरिटेट करे या फिर इस पर हमला करे तो इसके शरीर पर दो सींगनुमा आकृति बनकर उभर जाती हैं, जिसमें से यह कीड़ा ऐसा बदबूदार लिक्विड छोड़ता है जिसे सूंघने के बाद इसे नुकसान पहुंचाने वाला इससे दूर भाग जाता है। लेकिन मैच्योर होते ही यह कीड़ा एक बहुत ही खूबसूरत तितली में बदल जाता है, जिसके पंखों पर वाइट स्पॉट और रेड डिटेल्स होती हैं। नंबर 5 पर है जेड हॉक मॉथ कैटरपिलर। यह कीड़ा नॉर्मली इंडिया, नेपाल, म्यांमार, चाइना और श्रीलंका जैसी कंट्रीज में मिलता है। जब यह अपनी लार्वा स्टेज में होता है तब इसका कलर चलते फिरते ग्रीन सांप की तरह होता है, जिस पर छोटे छोटे पीले धब्बे बने होते हैं, और यह ऐसी शेप एंड साइज में तब तक बने रहते हैं जब तक यह बड़े नहीं हो जाते, क्योंकि बड़ा होते ही यह ब्राउन, ग्रीन और रेड कलर के मिक्सचर वाला एक पतंगा बन जाता है। यह पतंगा जलती हुई ब्राइट कलर लाइट यानी कि बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर सुगंध भरे फूलों की तरफ ज्यादा खींचे चले आते हैं, इसलिए इसे फास्ट फ्लायर भी कहा जाता है। नंबर 4 पर है स्पाइस बुश स्वेलोटेल कैटरपिलर। यह कैटरपिलर तितली बनने से पहले कई सारी डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें यह तरह तरह के कलर चेंज करता रहता है, लेकिन यह असली सांप जैसा दिखना तब शुरू करता है जब इसके सिर पर कुछ आंख जैसी शेप बनकर आ जाती हैं। और मुझे तो यह एक छोटा सा क्यूट एनाकोंडा की तरह भी लग रहा है, लेकिन यह कैटरपिलर अपनी लास्ट स्टेज में एक बहुत ही खूबसूरत रंगीन तितली बनकर उभरता है, जो कि पूर्वी अमेरिका में ज़्यादातर पाई जाती हैं। नंबर 3 पर है एलिफेंट हॉक मॉथ कैटरपिलर। यह लार्वा एक सांप जैसा दिखने के साथ साथ हाथी की सूंड से भी मिलता जुलता है। यह कैटरपिलर मोस्टली डार्क ब्राउन और ग्रीन कलर के होते हैं, जिन पर बड़ी बड़ी आंखें जैसी आकृति बनी होती है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग स्नेक बना देती है। थोड़ा बड़ा होने पर यह कीड़ा गोल्डन या फिर पिंक कलर की शेड वाले कीट पतंगे में बदल जाते हैं। यह कीट पतंगे ज़्यादातर रात में शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं, जिसके कारण इन्हें निशाचर भी कहा जाता है, और यह ज़्यादातर शहद के आसपास भिनभिनाते हुए मिलते हैं। इस प्रजाति के कीड़े सबसे ज़्यादा आयरलैंड, USA और इंग्लैंड में पाए जाते हैं। नंबर 2 पर है ईस्टर्न टाइगर स्वेलोटेल कैटरपिलर। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले इस कैटरपिलर की प्रजाति सनोबर पेड़ की पत्तियों को खाते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है जब कैटरपिलर तितली बन जाती हैं, और तब यह सिर्फ फूलों के नेक्टर्स ही पसंद करने लगती हैं। इस कैटरपिलर वाली तितली की पहचान इस तितली के पीले पंखों पर ब्लैक धारियां दिखने से हो जाती है। इस कैटरपिलर को देखकर फेमस कार्टून पोकेमोन का एक कैरेक्टर कैटरपाई को बनाया गया था। अब आ गया है वह नंबर 1 कैटरपिलर, जिसका हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। नंबर 1 पर है ग्रीन ऑरेंज टिप कैटरपिलर। पिछले जितने भी सांपों को हमने देखा वह सांप जैसे दिखते तो थे, लेकिन सिर्फ उसके जैसा दिखने से कोई सांप नहीं बन जाता। इसके लिए चाहिए कि उनका बिहेवियर भी सांप की तरह हो, तो इसी कमी को पूरा करता है हमारा ये नंबर 1 कीड़ा, क्योंकि यह सांप जैसा दिखता भी है और उसके जैसा बिहेव भी करता है, एंड कई सारी ऐसी ट्रिक्स यूज करता है जिससे इसका शिकार करने वाले शिकारी इसके आसपास आने से भी डरते हैं। यह कैटरपिलर अपना अगला शरीर इस तरह से आगे की ओर उठा लेता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि कोई सांप बस अटैक करने वाला ही है, और इसके शरीर की बनावट और कलर्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा जहरीला सांप दिखने पर मजबूर कर देते हैं। और यह सांप, मतलब कि कैटरपिलर, साउथ एशिया, चाइना और जापान जैसी कंट्री में बड़ी तादाद में मिलते हैं, और एक बार बटरफ्लाई बनने के बाद यह ऐसे पंखों में खिलती है जिनका कलर वाइट, ऑरेंज एंड ब्लैक शेड में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बट हर दूसरे दिन साइंस, स्पेस और एनिमल वर्ल्ड से जुड़ी हुई वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।